नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार राज्य की राजधानी पटना के बारे में कि आप यहां कब जाएं, कैसे जाएं, कहां रुके, कहां घूमें और कुल खर्चों के बारे में। ये पूरी कंप्लीट जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पटना की। बिहार की प्रशासनिक राजधानी पटना शहर पूर्वी भारत में कोलकाता के बाद दूसरा सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर है, जहां आर्यभट्ट, चाणक्य और कालिदास तथा गुरु गोविंद सिंह जैसी हस्तियों का जन्म हुआ था और ज्ञान के क्षेत्र में धुरंधर इन महान व्यक्तियों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। और पटना शहर विश्व का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में वाईफाई नेटवर्क बिल्कुल फ्री तथा दुनिया का सबसे लंबा पानी पर बनाया जाने वाला पुल इसी शहर में मौजूद है, जिसे महात्मा गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि भारत की आजादी में इस शहर का काफी ज्यादा योगदान भी रहा है, जहां से चंपारण और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी इसी शहर से हुई थी। और गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित इस शहर को प्राचीन समय में पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। और पटना शहर अपने मंदिरों व धार्मिक स्थलों के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है, क्योंकि हिंदू, सिख, बौद्ध तथा जैन धर्म के तीर्थ यात्रियों के लिए पटना प्रवेश द्वार माना जाता है। और पटना के पास में ही गंगा और सोन नदी का संगम भी होता है, जिसकी वजह से इस जगह का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों अब बात करें कि आप पटना कब जाएं। वैसे तो आप यहां पर कभी भी जा सकते हैं, लेकिन यहां पर जाने का सबसे सही समय सर्दियों का मौसम यानी कि सितंबर से लेकर के मार्च के महीनों का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान यहां पे कई सारे त्यौहार होते हैं जिसे आप सभी इन महीनों के अंतर्गत विजिट कर सकते हैं और पर्यटन स्थलों को भी घूमने में कोई भी परेशानी नहीं होती। वहीं अगर आप मई और जून के महीने में यहां पे जाते हैं तो आपको यहां पे पर्यटन स्थलों को घूमने में काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि इन महीनों के दौरान यहां पे बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पटना शहर किस सीजन में जाना पसंद करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में बताना चाहूंगी, जिसका नाम है क्यूटेक्स, जहां पर आप सभी स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टोकरेंसी, मेटल्स में ट्रेड करके रियल कैश अर्न कर सकते हो। और इसमें आप सभी को $10,000 डेमो अकाउंट में दिए जाते हैं, जिसको यूज करके आप यहां पे ट्रेडिंग करना सीख सकते हो। और सीखने के बाद आप रियल कैश इन्वेस्ट करके रियल कैश अर्न कर सकते हैं। यहां पर आप सभी को एक ग्राफ चलता हुआ दिखाई देगा, आपको बस अप और डाउन में प्रेडिक्शन करना है। अगर आपका अंदाजा यहां पे सही होता है तो आपको यहां पे प्रॉफिट होता है। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर के आप साइन अप कर लीजिए। दोस्तों अब बात करें कि आप पटना कैसे पहुंचे। वैसे तो यहां पे पहुंचना बहुत ही आसान है, क्योंकि पटना शहर आप बाय ट्रेन, बाय प्लेन और बाय बस बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करें कि यदि आप पटना ट्रेन से जा रहे हैं तो पटना में अपना खुद का प्रमुख रेलवे जंक्शन है, जो वाराणसी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, लखनऊ और अमृतसर आदि जैसे कई शहरों से रेल मार्ग द्वारा डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जहां से आप इन शहरों से डायरेक्ट ट्रेन लेकर के पटना पहुंच सकते हैं। और इस रेलवे स्टेशन से पटना मुख्य शहर के बीच की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है, जिसे आप ऑटो, टैक्सी या ई रिक्शा से पूरा कर सकते हैं। और यदि आप पटना प्लेन से जा रहे हैं तो यहां का नजदीकी एयरपोर्ट जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वाराणसी, चेन्नई और हैदराबाद आदि जैसे भारत के तकरीबन सभी शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट के द्वारा आप पटना इस एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और यह एयरपोर्ट मुख्य शहर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस एयरपोर्ट के बाहर आपको बस, टैक्सी या ई रिक्शा की सुविधा मिल जाएगी, जिससे आप पटना के किसी भी क्षेत्र में काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। और यदि आप पटना बस से जा रहे हैं तो यहां पे पहुंचने के लिए आपको डायरेक्ट बस दिल्ली, वाराणसी, हैदराबाद, बिहार, चेन्नई आदि जैसे कई शहरों से आपको डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाएगी, जिससे आप पटना आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप पटना में कहां पे स्टे करें। वैसे तो यहां पे स्टे करने के लिए आपको पटना रेलवे स्टेशन के आसपास बहुत सारे होटल देखने को मिलेंगे, जिन्हें आप लगभग 1,000 से 3,000 रुपए में बुक करके यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। वहीं अगर आप एक नॉर्मल बजट होटल लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 800 से 1,500 रुपए तक में आपको एक अच्छा नॉर्मल बजट होटल मिल जाएगा, जिसे आप बुक करके यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि पटना में खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जिस होटल में स्टे किए वहीं पर आप सभी को खाने पीने की सारी सुविधा मिल जाएगी, लेकिन अगर आप वहाँ पे खाना नहीं चाहते तो आपको पटना के रेलवे स्टेशनों के बाहर मुख्य शहर में कई सारे होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जाकर के लगभग
150 से 200 रुपए में एक समय का भोजन कर सकते हैं। और यदि आप किसी और जगह का ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अच्छी अच्छी साइट्स का लिंक दे दिया है, जिसकी मदद से आप सस्ती से सस्ती प्राइस में बस, ट्रेन, प्लेन और टूर पैकेजेस को बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि आप पटना में कहाँ कहाँ घूमे। वैसे तो आप यहाँ पे सबसे पहले गोलघर घूम सकते हैं, क्योंकि पटना का यह बेहद ही प्राचीन और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, जहाँ पर काफी संख्या में लोग घूमने जाते हैं। और हरा भरा इस गोलघर की सरल वास्तुकला इस स्थान को और भी अधिक खूबसूरत बना देती है, जिसकी सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके साथ ही आप यहाँ पे पटना म्यूजियम भी घूमने का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ की समृद्ध संग्रह आपको भारतीय इतिहास के अद्भुत गौरव की याद दिलाता है, जिसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा, पवित्र राख, कास्केट आदि जैसे कई पवित्र अवशेष इस संग्रहालय के प्रमुख आकर्षण है। और इसका निर्माण सन 1917 में किया गया था, जहां पर आपको कई कला वस्तुओं का संग्रह देखने को मिल जाएगा। और अगर आप ऐतिहासिक चीजें देखना पसंद करते हैं तो आपको संग्रहालय में जरूर जाना चाहिए। इसके अलावा आप यहां पर संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क को भी विजिट कर सकते हैं। यहां का हरा भरा खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और बच्चों के लिए टॉय ट्रेन और हाथी की सवारी पर्यटकों को यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर देती है, क्योंकि यहाँ पे एंजॉय करने के साथ साथ इस पार्क में कई तरह के वन्य जीव और जंतु देखने को मिल जाएंगे। और शहर की भीड़ भाड़ भरे वातावरण से मुक्त शांत वातावरण में सुकून के कुछ समय बिताने के लिए यह जगह पटना के प्रमुख पार्कों में से एक है। और अब आगे चलते हैं इको पार्क। इको पार्क पटना का काफी लोकप्रिय पार्क है, जहां पर आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप बोटिंग के साथ साथ जॉगिंग और खाने पीने की चीजों का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। और इन सब के अलावा यह पार्क पटना की एक मॉडर्न छवि को भी पेश करता है, जिसे देखने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर आना पसंद करते हैं और शानदार पार्क का लुत्फ उठाते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ श्री महावीर टेम्पल के भी दर्शन कर सकते हैं। पटना के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक यह मंदिर भगवान हनुमान जी को समर्पित है, जो हिंदुओं की धार्मिक आस्था का बहुत ही पवित्र स्थान भी है। और कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस मंदिर में प्रार्थना करता है तो भगवान उसकी मनोकामना जरूर पूरा करते हैं। दोस्तों, और भी ऐसे कई सारे जगह है पटना में, जहां पर आप सभी घूमने का भरपूर आनंद ले सकते हैं, जैसे इस्कॉन टेम्पल, गांधी मैदान, तख्त श्री हरि मंदिर, महावीर स्वामी जैन वाटर टेम्पल, बिहार म्यूजियम, बुद्धा स्मृति पार्क, पाटन टेम्पल, श्री कृष्ण साइंस सेंटर आदि जैसे बहुत सारे पटना में टूरिस्ट प्लेसेस हैं। दोस्तों, अब बात करें कुल खर्चों की। वैसे तो अगर आप पटना में घूमने के लिए 2-day 1-night का ट्रिप बनाते तो आपका कुल खर्चा लगभग 4,000 से 5,000 रुपए तक लग सकता है। वहीं अगर आप यहाँ पे 3-day और 2-night का ट्रिप प्लान करते तो उसका चार्ज लगभग 6,000 से 7,000 रुपए तक हो जाता है। लेकिन ये सारे खर्चे आपके पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और कहाँ कहाँ रुकेंगे, तो ये सारे खर्चे आपके पर ही डिपेंड करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी मेरी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।